नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र इंडियन रोजगार चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर करेंगे अक्टूबर मंथ के, और मैंने आपको अगस्त और सितंबर के जो करंट अफेयर है वो पहले करा दिए है। आप उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। दोस्तों, जो आज मैं करंट अफेयर कराने वाला हूँ वो आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, DRDO हो या फिर CHSL, SSC हो या फिर रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो आपके लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर की वीडियो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे पहले कि भारत के पहले ई वेस्ट क्लिनिक की स्थापना किस शहर में हुई। ई वेस्ट क्लिनिक, ई वेस्ट क्लिनिक की स्थापना भारत में कहां पर हुई, आपको पता होगा तो ये हुई भोपाल में। कहां पर हुई, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, IAAF वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 की पदक तालिका में टॉप पर कौन सा देश है। IAAF वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 में पदक तालिका में टॉप देश कौन सा है, ये पूछ लिया आपसे, तो कौन सा है, अमेरिका। अमेरिका इसमें टॉप, और इंडिया की बात करें तो इसमें इंडिया को एक भी पदक नहीं मिला, टॉप की बात करें तो अमेरिका। अब आपसे पूछ ले कि जो IAAF वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ कहाँ पर हुई थी, तो ये दोहा में हुई थी। कहाँ पर, दोहा में, और अमेरिका टॉप देश है किस चीज़ में, पदक तालिका में, और इंडिया को इसमें एक भी मेडल नहीं मिला। आगे देखते हैं, किस व्यक्ति को सबसे प्रभावशाली स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड मिला। सबसे प्रभावशाली स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड मिला, तो किसे मिला ये, ये मिला है सचिन तेंदुलकर को। किसको, सचिन तेंदुलकर को ये अवार्ड मिला है। इसमें प्रधानमंत्री ने 11 व्यक्तियों को चुना गया था, जिसमें जैसे सचिन तेंदुलकर थे, प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान, तो इसमें जो अवार्ड अवार्ड मिला है वो सचिन को मिला है, बेस्ट स्वस्थ एम्बेसडर अवार्ड मिला है। किसके लिए मिला, इसे प्रचार करने के लिए, प्रचार करने के लिए अवार्ड मिला है। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वच्छ भारत सेवा में, स्वच्छ भारत रेल सेवा में टॉप स्टेशन पूछे, टॉप स्टेशन कौन सा रहा, टॉप स्टेशन रहा स्वच्छता में, तो कौन सा रहा, जयपुर। जयपुर रेलवे स्टेशन है जो, वो स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत में जो रेल सेवा में टॉप स्टेशन रहा है, ठीक है, यानी जयपुर स्टेशन है जो स्वच्छ था। और हम बात करें इसी के अंदर स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत में, जोन पूछ रहे कि कौन सा जोन है वो स्वच्छ था, तो जोन है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। जोन की अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम जोन स्वच्छ, और स्टेशन की बात करें तो जयपुर था। ये था स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत में। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर
प्लास्टिक से निर्मित देश के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन किया गया वो कौन से शहर में किया गया, ये पूछ लिया आपसे 150वीं जयंती पर। प्लास्टिक से निर्मित देश के सबसे बड़े बड़े चरखे का उद्घाटन कौन से शहर में किया गया, यह पूछ लिया आपसे कि जो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी उस जयंती पर प्लास्टिक से निर्मित देश के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन कौन से शहर में किया गया, यानी प्लास्टिक से बनाया गया वो चरखा, तो कौन से में, नोएडा में, नोएडा के अंदर। और किसने किया इसका उद्घाटन, स्मृति ईरानी ने। और आपसे ये पूछ ले कि कौन सी जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक चरखा रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया का सबसे बड़ा कहां पर है, ये पूछ लिया आपसे कि इलेक्ट्रॉनिक चरखा है दुनिया का सबसे बड़ा वो कहां पर है या कौन सी जगह पर है, ये पूछ लिया आपसे। तो ये हमारा महाराष्ट्र में वर्धा में, महाराष्ट्र के वर्धा में ये इलेक्ट्रॉनिक चरखा है दुनिया का सबसे बड़ा। और प्लास्टिक से निर्मित चरखे की बात करें तो नोएडा में किसने उद्घाटन किया, स्मृति ईरानी ने। ये 150वीं जयंती थी महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर को, ठीक है, वर्धा में। और इसकी हाइट पूछ ले तो 18.6 फिट इसकी हाइट है जो इलेक्ट्रॉनिक चरखा है। अब हम आगे देखते हैं, स्वच्छ भारत दिवस 2019 का उद्घाटन हुआ, स्वच्छ भारत दिवस 2019 का उद्घाटन कौन सी जगह पर हुआ, अहमदाबाद में, कौन सी जगह पर हुआ, अहमदाबाद में स्वच्छ भारत दिवस 2019 का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है 4 अक्टूबर को, कब मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। डे से भी आपके कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एनिमल डे कब मनाया जाता है, एड्स डे कब मनाया जाता है, तो एनिमल डे कब मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। किस कंपनी ने प्लास्टिक को बिटुमिन में परिवर्तित करने की घोषणा की है, यह पूछ लिया आपसे कि कौन सी कंपनी है जिन्होंने प्लास्टिक को बिटुमिन में परिवर्तित करने की घोषणा की है, यानी बदलने की घोषणा की है। तो यह कंपनी हमारी आईओसी कौन सी है, आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इन्होंने प्लास्टिक को बिटुमिन में परिवर्तित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय टी ट्वेंटी में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज मोहम्मद हसनैन किस देश से है, हैट्रिक लेने वाले
मोहम्मद, क्या नाम है इसका, हसनैन। हसनैन किस देश से है ये पूछ लिया आपसे, तो ये है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के गेंदबाज है, अंतर्राष्ट्रीय T20 में हैट्रिक लेने वाले, क्या नाम है, मोहम्मद हसनैन। आगे देखते हैं, एक बुक है उसके लेखक पूछ रखा है, द आर एस एस रोड मैप्स फॉर द 21st century, इसके राइटर पूछ लिया आपसे, तो इसके राइटर है सुनील अंबेडकर। कौन है, सुनील अंबेडकर इसके राइटर है, द आरएसएस रोड मैप्स फॉर द 21st century, इसके राइटर कौन है, सुनील अंबेडकर। नोमेडिक एलिफेंट 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, क्या नाम है, नोमेडिक एलिफेंट 2019 युद्धाभ्यास हुआ संयुक्त, किन दो देशों के बीच हुआ, भारत और मंगोलिया के बीच भारत और मंगोलिया के बीच नोमेडिक एलिफेंट 2019 संयुक्त अधिवेशन अभ्यास हुआ भारत और मंगोलिया के बीच। जगह पूछ ले कहां पर हुआ, तो ये हुआ था हिमाचल प्रदेश में, कौन सी जगह पर, हिमाचल प्रदेश। विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, विश्व डाक दिवस ये पूछ लिया आपसे कि विश्व डाक दिवस है वो कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, कब मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसने एक रिपोर्ट जारी की है, रिपोर्ट का क्या नाम है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019, इसमें भारत किस स्थान पर है, यह पूछ लिया आपसे, तो इसमें भारत है 68 यानी 68वें स्थान पर है, और टोटल देश की बात करेगी इसमें कितने देश ने पार्टिसिपेट किया, तो टोटल देश ने इसमें पार्टिसिपेट किया 141, और फर्स्ट कौन है इसमें, फर्स्ट तो फर्स्ट पर है सिंगापुर। ये पूछ लेगी जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 है उसमें फर्स्ट स्थान पर कौन है, तो सिंगापुर है, और भारत का पूछे तो 68, और टोटल देश पूछे कि टोटल कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था, 141 ने, और किसने जारी की थी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। अब आगे देखते हैं, सुमन पहल ये किससे संबंधित है, सुमन पहल संबंधित है आपसे पूछ लिया, यह है स्वास्थ्य सुरक्षा से, स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित है, कौन, सुमन पहल। जो गर्भवती महिलाएं है ना उनको फ्री में मुफ्त में दवाई देती है ये सुमन पहल, तो ये पूछ लिया आपसे किससे संबंधित है, स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित है, ताकि जो मृत्यु दर है वो कम हो सके। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आइकन उपग्रह लॉन्च किया,
आइकन उपग्रह लॉन्च किया? किसने किया है? नासा ने। नासा ने किया है कौन? आइकन उपग्रह लॉन्च। अब आता है आगे, इंटरनेशनल बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। और ये कब से स्टार्ट हो रखा है मनाना? 2012 से। 2012 में ये फर्स्ट मनाया गया था बालिका दिवस अंतर्राष्ट्रीय। और कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। ये था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। हेगिबिस तूफान है, एक तूफान का नाम है क्या? हेगिबिस तूफान है, वो किस देश में आया था? ये पूछ लिया आपसे, तूफान है क्या नाम है? हेगिबिस, और किस देश में आया था ये? ये आया था तूफान जापान में, जापान के अंदर आया था हेगिबिस तूफान। आगे देखो, 2019 मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला? ये काफी इंपोर्टेंट आपके लिए, मैन बुकर पुरस्कार 2019 मैन बुकर पुरस्कार मिला। दो को मिला ये। बात करें किस किस को, फर्स्ट का नाम है बर्नार्डिन एवारिस्टो, इसको किसके उसमें मिला है? गर्ल वुमैन, गर्ल वुमैन अदर बुक के लिए मिला है। और सेकंड की बात करें, सेकंड किसको मिला है? ये मिला है मार्गरेट एटवुड, इसकी कौन सी बुक है? टेस्टामेंट। अब आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर घुमा फिरा के, पहले तो ये पूछ लेगा कि 2019 मैन बुकर पुरस्कार वो किसको मिला, तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो बर्नार्डिन एवारिस्टो को मिला और एक मार्गरेट एटवुड को। फिर आपसे ये पूछेगा कि जो मार्गरेट एटवुड है उसको किसके लिए, जो ये मैन बुकर पुरस्कार मिला तो उसको टेस्टामेंट के लिए मिला है, और बर्नार्डिन एवारिस्टो की बात करें तो गर्ल वुमैन अदर के लिए, बुक के लिए मिला है इनको। तो किसी भी टाइप से पूछे तो आप जवाब ठीक करके आना। आगे, कैस सैयद किस देश के राष्ट्रपति बने? क्या नाम है? कैस सैयद राष्ट्रपति बने, कौन से देश के बने हैं? कैस सैयद नाम याद रखना आपने, ट्यूनीशिया। कौन से देश के? ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति बने हैं कौन? कैस सैयद। आपको एग्जाम में राष्ट्रपति वो पूछता है जो हाल ही में चर्चा में रहे हो, जो नए बने हो या कोई हटाया गया हो राष्ट्रपति, तो इस प्रकार से जो हाल ही में चर्चा में रहे वो राष्ट्रपति पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कैस सैयद कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? ट्यूनीशिया के। एक रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019, इसमें भारत का स्थान कौन से स्थान पर है? भारत है इसमें 102 स्थान पर। कौन से स्थान पर है? 102 स्थान पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और इसमें कुल देश की बात करेगी, कुल कितने देश थे? 117 देश थे, जिसमें से 102 स्थान है भारत का। और इसमें 2014 में बात करें कि 2014 में भारत का कौन सा स्थान था, तो 2014 में था 55। 2014 में भारत है 55वें स्थान पर था, परंतु 2019 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान 102 नंबर पर है। और टोटल देश पूछे तो 117 टोटल देश थे। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है,
कई बार पूछा गया है, हंगर इंडेक्स 2019-18 ये पूछा जाता है कई बार, तो 102 स्थान है। 2014 में बात करें तो 55। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। और इसकी जो थीम थी वो थी जीरो हंगर वर्ल्ड। थीम पूछ लिया आपसे कि विश्व खाद्य दिवस उसकी थीम क्या थी, तो जीरो हंगर वर्ल्ड। और कब मनाया जाता है? ये 16 अक्टूबर को। आगे देखो, एक अभ्यास हुआ था सिन्यू मैत्री, क्या नाम है? सिन्यू मैत्री अभ्यास है जो, वो किन दो देशों के बीच हुआ था? ये पूछ लिया आपसे, तो ये हुआ था भारत और जापान। किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और जापान, इन दोनों जो एयरफोर्स सेना थी इन दोनों देशों की, उनके बीच हुआ था सिन्यू मैत्री अभ्यास। भारत की सबसे लंबी सुरंग है जिसका नाम है चेनानी नासरी, क्या नाम है? चेनानी नासरी, किस नेशनल हाईवे पर है? किस नेशनल हाईवे पर है? तो ये है NH 44 पर। क्या नाम है? चेनानी नासरी है, भारत की सबसे लंबी सुरंग है। और ये पूछ लिया कि किस नेशनल हाईवे पर है, ये NH 44। अब इससे एक क्वेश्चन क्या बनता है, अब इसका नाम बदल दिया है चेनानी नासरी का, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है, अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया है? श्याम प्रसाद मुखर्जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, अभी ये नाम है इसका चेनानी नासरी का, क्या नाम है? श्याम प्रसाद मुखर्जी, और NH 44 हाईवे पर है। एक 20वीं पशुधन जनगणना रिपोर्ट हुई, 20वीं पशुधन जनगणना रिपोर्ट, इसमें क्या पूछा है कि देश के किस राज्य में सबसे अधिक पशु है? तो किस में है? यूपी में। और ये पूछ लेगी कितने हैं, तो ये है 67 मिलियन, 67 मिलियन। और अगर कुल की बात करें कि कुल कितने हैं भारत के अंदर, तो 535 मिलियन इतने पशु हैं। और सबसे ज़्यादा स्टेट में बात करें तो यूपी के अंदर है, कितने हैं? 67, 20वीं पशुधन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार। NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसको हम ब्लैक कैट कमांडो भी बोलते हैं, NSG को, के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। कौन बने? अब अनूप सिंह NSG है जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन बने हैं? अनूप सिंह। और इसको NSG को और किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक कमांडो। एक पुस्तक है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियन के लेखक पूछ लिया आपसे, तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है विश्वनाथ आनंद। इन्होंने ये जो बुक लिखी है, ये अपने जीवन में जो भी हार और जीत हुई है उसके बारे में लिखा है इसमें, माइंड मास्टर में। किसने? विश्वनाथ आनंद ने। बुक से भी आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड मास्टर की लेखक कौन है? विश्वनाथ आनंद। नीति आयोग द्वारा एक जारी इंडेक्स है
क्या नाम इंडेक्स का? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा है? में सबसे इनोवेटिव राज्य है तो कौन सा है? कर्नाटका। कर्नाटका है सबसे इनोवेटिव राज्य। किस राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर दिया है? यह पूछ लिया आपसे कि किस राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर दिया है, यानी किस स्टेट की, तो आपको पता होगा ये तो किसकी? जम्मू एंड कश्मीर। 5 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट था उसकी विधान परिषद को समाप्त कर दिया है और अब जम्मू कश्मीर को यूनिट टेरिटरीज बना दिया है और इसके साथ एक लद्दाख को भी यूनिट टेरिटरीज बना दिया है। जम्मू कश्मीर में तो विधानसभा भी होगी लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। कब किया था ये? 5 अगस्त को हटाया था, जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रहा, अब क्या बना दिया है? यूनियन टेरिटरीज। जम्मू कश्मीर के फर्स्ट उपराज्यपाल बने, अभी ये यूनियन टेरिटरीज है तो यहां पर उपराज्यपाल बनेंगे, तो कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू ये फर्स्ट उपराज्यपाल बने हैं जम्मू कश्मीर के। और बात करें लद्दाख के कौन है? लद्दाख के उपराज्यपाल बने, ये बने हैं कृष्णा माथुर, राधा कृष्णा माथुर। क्या नाम है? राधा कृष्णा माथुर लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने और जम्मू कश्मीर के पूछे तो गिरीश चंद्र मुर्मू। ये भी दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरपोल महासभा 2022, इंटरपोल महासभा 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्या नाम है? इंटरपोल महासभा 2022, तो इसकी मेजबानी करेगा भारत देश। भारत देश। एक ब्रिज है, क्या नाम है पहले वो देखो, कर्नल चेवांग रिनचेन, रिन चेन का उद्घाटन किया गया ब्रिज है, ये ब्रिज का उद्घाटन किया गया। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन, नाम क्या ब्रिज का? कर्नल चेवांग रिनचेन ब्रिज। और इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? लद्दाख में किया गया है, लद्दाख में। और पाकिस्तान में जो करतारपुर साहिब है, यह पूछ लिया आपसे कि जो करतारपुर साहिब है वो कौन सी नदी के किनारे पर है? तो करतारपुर साहिब है रावी नदी के किनारे पर है। और देखो एक डे है यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन डे, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। एक सम्मेलन है गुट निरपेक्ष सम्मेलन, क्या नाम है? गुट निरपेक्ष सम्मेलन।
इसका आयोजन कहां पर हुआ? इसका आयोजन हुआ बाकू। कहां पर है ये? अजरबैजान। अजरबैजान में है। क्या नाम है जगह का? बाकू। और इस गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन गए थे ये पूछ ले, तो इसमें भारत की तरफ से गए थे हमारे जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति क्या नाम आपको पता होगा, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति है जो वो राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी आपको पता होगा। ये कहाँ पर गए हैं? ये गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में गए थे हमारे भारत की तरफ से। भारत के 47 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने, कौन बने हैं आप बता सकते हैं? भारत के 47, ये नंबर भी याद रखना होता है क्योंकि कई बार नंबर भी पूछ लग सकते हैं कि जो हमारे, जैसे अब पता होगा आपको 47 नंबर के न्यायाधीश कौन बने हैं, तो ये बने हमारे एस ए बोबड़े, यानी शरद अरविंद बोबड़े। पूरा नाम क्या है? शरद अरविंद बोबड़े। अब आपसे कैसे भी पूछ सकता है, जो मैं आपको नंबर से बता रहा था, तो ऐसे पूछ सकता है कि जो शरद अरविंद बोबड़े है हमारे मुख्य न्यायाधीश, वो कौन से नंबर के बने हैं? तो कौन से नंबर के बने हैं? 47 नंबर के। एक बुक है, क्या नाम है बुक का? ब्रिजटियल नेशन बुक। इसके राइटर पूछ लिया आपसे कौन है, तो इसके राइटर है दो है इसके राइटर, एक एन चंद्रशेखर और रूपा पुरुषोत्तम। सेकंड का क्या नाम है? रूपा पुरुषोत्तम। ये दो राइटर है इस बुक के, ब्रिजिटल नेशनल बुक। क्या क्या नाम है? एन चंद्रशेखर और रूपा पुरुषोत्तम। आगे देखते हैं हम। विश्व का सबसे पुराना मोती, मोती प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ ये पूछ ले कौन सी जगह पर हुआ है प्राप्त, तो ये हुआ है अबू धाबी में। विश्व का सबसे पुराना मोती है ये, अबू धाबी में प्राप्त हुआ है। एक रोग है उसका क्या नाम है? ऑस्टियोपोरोसिस। ये रोग है किससे संबंधित है? जो ऑस्टियोपोरोसिस रोग है वो किससे संबंधित है? तो ये रोग संबंधित है हड्डी से। किससे संबंधित है? हड्डी से। किस राज्य सरकार ने दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य ठहराने की बात की है कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी उसको जो जिसके दो से अधिक बच्चे होंगे, तो ये किसने की है? असम सरकार ने। और ये कब से लागू होगी? ये जनवरी 2021 से लागू होगी असम सरकार ने। और कब से लागू है? 1 जनवरी 2021, यानी अगली साल से 2021 से जिसके भी दो बच्चे होंगे तो उसको सरकारी नौकरी में निर्णय में ठहरने के लिए अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, तो कौन सी सरकार ने किया ये रूल? असम सरकार ने। अब आगे देखो, भारत की लक्ष्मी पहल के लिए मोदी ने किस अम्बेसडर नियुक्त किया है? भारत की लक्ष्मी पहल की अम्बेसडर कौन बनी है? पीवी सिंधु और दीपिका पादुकोण, ये दो बनी है भारत की लक्ष्मी पहल
क्या नाम है पहल का, भारत की लक्ष्मी पहल की अम्बेसडर कौन बनी है, पीवी सिंधु और दीपिका पादुकोण, किसने बनाया इनको प्रधानमंत्री ने। एक योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला, ये योजना है, योजना का नाम है ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, वो किसने लॉन्च की ये पूछ लिया आपसे, तो ये की उत्तर प्रदेश ने, किसने की उत्तर प्रदेश ने, और उत्तर प्रदेश नाम आते ही आपको पता होना चाहिए यहाँ के जो सीएम है कौन है, योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन, ठीक है, कौन है यहाँ के सीएम, योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन। एक स्माइलिंग फील्ड युद्ध अभ्यास हुआ, क्या नाम है स्माइलिंग फील्ड युद्धाभ्यास, ये हमारी जो तीनों सेनाओं के, तीनों सेनाओं ने मिलकर किया है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना ने, तो कहां पर किया ये, तो ये हुआ है गुजरात में, गुजरात में, गुजरात में हुआ है, क्या नाम है स्माइलिंग फील्ड युद्धाभ्यास। एक नाम है सोफी विलमेस, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है सोफी विलमेस, किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, ये पूछ लिया आपसे, क्या नाम है सोफी विलमेस, किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी, यानी फर्स्ट, तो ये बनी बेल्जियम की, किसकी, बेल्जियम की पहली महिला है जो प्रधानमंत्री बनी, कौन से देश की है, बेल्जियम की, नाम याद रखना है सोफी विलमेस। आईसीसी ने बांग्लादेश के किस खिलाड़ी पर 2 वर्ष का बैन लगा दिया है, ये पूछ लिया आपसे कि आईसीसी ने बांग्लादेश का कौन सा खिलाड़ी है जिस पर 2 वर्ष का बैन लगा दिया है, तो उसका नाम है साकिब अल हसन, क्या नाम है साकिब अल हसन, इस पर 2 वर्ष का बैन लगा दिया कि 2 वर्ष तक ये खेल नहीं सकता, किसने, आईसीसी ने। विजय हरारे ट्रॉफी, क्या नाम है विजय हरारे ट्रॉफी 2019 विजेता कौन है, कर्नाटका, किसने जीती है, कर्नाटका ने जीती है विजय हरारे ट्रॉफी 2019, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हो कि विजय हरारे ट्रॉफी 2019 किसने जीती या उसके विजेता कौन है, तो कर्नाटका है। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट है एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में इंडिया किस स्थान पर है, यानी भारत किस स्थान पर है, तो भारत इसमें 63वें नंबर पर, कौन से नंबर पर, 63 में, और फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट है इसमें न्यूजीलैंड, कौन है फर्स्ट, न्यूजीलैंड, और किसने जारी किया ये, वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने, ये पूछ लिया आपसे, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट है वो किसने जारी की है, वर्ल्ड बैंक ने, और इसमें इसकी रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है, तो 63वां, और फर्स्ट पे बात करें तो न्यूजीलैंड।
प्रो कबड्डी लीग सेवन, प्रो कबड्डी लीग सेवन में कौन जीता? तो आपको पता होगा बेंगलुरु बुल्स, बेंगलुरु बुल्स ने इसका खिताब जीता। किसका? प्रो कबड्डी सेवन का। प्रो कबड्डी सेवन का खिताब किसने जीता है? बेंगलुरु बुल्स ने। दो हजार अठारह उन्नीस उन्नीस का जो राष्ट्रीय किशोर का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से किसे सम्मानित किया? तो इसका क्या नाम है? प्रियदर्शन। जो 2018-19 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान है, क्या नाम है? राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, इससे किसे सम्मानित किया है? प्रियदर्शन ने। ये क्या है? ये निर्देशक है और निर्माता, निर्देशक एवं निर्माता है कौन? प्रियदर्शन। उसको किसके लिए ये जो सम्मान मिला है? ये मिला है निर्देशक एवं निर्माता के उसमें। और कौन सा सम्मान मिला है? राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। अब आगे देखो, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है जो कि यात्राओं के लिए उपयोग किया जाने वाला नया विमान कौन सा है? राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए और प्रधानमंत्री के लिए। नया विमान कौन सा है? क्या नाम है उसका? नाम पता होना चाहिए आपको, बोइंग 747। क्या नाम है? बोइंग 747। किसके लिए है ये? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? जुलाई 2020 के बाद, अब तो बोइंग 747 है, उसके बाद जुलाई 2020 के बाद इन तीनों को बोइंग 777 यानी बोइंग 777 विमान मिलेगा, यानी उसके द्वारा यात्रा की जाएगी। और अब पूछे कौन सा? तो बोइंग 747 है। जुलाई 2020 के बाद बोइंग 777 नया विमान होगा। तैरते हुए बास्केटबॉल कोर्ट कोर्ट को किस शहर में शुरू किया गया? तो ये किया गया मुंबई में। कहां पर किया गया? मुंबई में। अब नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो देखो। नोबेल पुरस्कार, दो हजार उन्नीस का जो शांति नोबेल पुरस्कार किसे मिला? ये मिला है अभी अहमद को। अभी अहमद, क्या नाम है इसका? अभी अहमद। और ये किस देश के प्रधानमंत्री है? ये इथोपिया के प्रधानमंत्री है। इसको 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, अभी अहमद को, इथोपिया के प्रधानमंत्री है जो। आगे देखो, इसमें निर्धनता पर अध्ययन के लिए, निर्धनता पर अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। किसको मिला ये?
अभिजीत बैनर्जी, अभिजीत बैनर्जी भारत के है ये, क्या नाम है, अभिजीत बैनर्जी, निर्धनता पर अध्ययन के लिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला है, निर्धनता पर अध्ययन के लिए। एक है स्टेनली विथिगम, क्या नाम है, स्टेनली विथिगम नाम है ये, को 2019 का नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला, तो इसको किसके लिए मिला, रसायन के लिए, यानी केमिस्ट्री के लिए मिला इसको नोबेल पुरस्कार, क्या नाम है, स्टेनली विथिगम, 2019 का रसायन नोबेल पुरस्कार मिला इसको। अब आगे देखते हैं, साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है 2019 का, 2019 साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला, किसे मिला ये, पीटर हैंड के, पीटर हैंड के। इसमें आपका याद करने का कैसे ट्रिक है, साहित्य साहित्यम कैसे लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं साहित्य, और इसमें नाम में क्या आ रहा है, पीटर हैंड के, यानी हैंड आ रहा है इसमें नाम में, तो इससे आप याद कर सकते हो। ये पूछेगी 2019 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो आप साहित्य से समझ जाना कि हाथ से लिखते हैं और नाम में हैंड जिसके हो वो आपका आंसर रहेगा। तो 2019 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे मिला, पीटर हैंड के को। और 2018 में बात करें, 2018 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो ये मिला था ओल्गा टोकारजुक, क्या नाम है, ओल्गा टोकारजुक। 2018 का पूछे तो ओल्गा टोकारजुक को, और 19 का पूछे तो पीटर हैंडके। फिजिक्स में किसको मिला है, फिजिक्स के लिए 2019 नोबेल, तो ये किसे मिला है, जेम्स पीबल्स, पीबल्स नाम है इसका, जेम्स पीबल्स, जेम्स पीबल्स को फिजिक्स के लिए यानी भौतिक के लिए 2019 का नोबेल पुरस्कार मिला है, किसके लिए मिला है, फिजिक्स के लिए, नाम क्या है, जेम्स पीबल्स। चिकित्सा में पूछे आपसे कि 2019 चिकित्सा नोबेल किसे मिला है, चिकित्सा में, चिकित्सा मिला ये माइकल मेयर, माइकल मेयर किसको मिला है, माइकल मेयर को। चिकित्सा में दो को और मिला है, एक मैंने पहले बता दिया, दो और देख लो आप, एक का नाम है जेई केलिन, जेई केलिन, और एक का नाम है ग्रीग एल सेमेंजा, ग्रीग एल सेमेंजा, इनको मिला है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र में, किसमें, अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में किसको मिला है, ये मिला है एस्थर डफलो, क्या नाम है, एस्थर डफलो। ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इससे ये आपका जरूर पूछा जा सकता है, क्यों, क्योंकि जो एस्थर डफले है ना, इसको सबसे कम उम्र में मिला है ये नोबेल पुरस्कार, सबसे कम उम्र में
मिला है और ये कहाँ से है? फ्रांस से। कहाँ से है? फ्रांस से। ये पूछ ले अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार 2019 मिला है वो किसको मिला है? एस्टर डफलो को। कौन सी जगह से है या कौन से देश से है? तो फ्रांस से है। और सबसे कम उम्र के है, उम्र की पूछे तो सबसे कम उम्र के है ये एस्टर डफलो। तो दोस्तों ये थी आपकी करंट अफेयर की क्लासेस। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इससे पहले अगस्त और सितंबर की हमारी प्लेलिस्ट में है, आप उसे भी देखें। और इस प्रकार हम आपको प्रत्येक सैटरडे और संडे को प्रत्येक महीने की करंट अफेयर कराएंगे, जिससे आपका हर एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो हम आपको 6 महीने का करंट अफेयर ऐसे ही कराते रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।